खबर उत्तर प्रदेश के पनवाड़ी से है, जहां सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा गरीब वर्ग के लोगों को। ऐसा ही मामला देखने को मिला जब प्रधानमंत्री आवास को भटक रहे पचैया लोहार दो दशक से हाईवे रोड किनारे रोड पनवाड़ी में सड़क किनारे पन्नी डालकर परिवार सहित रह रहे लाल सिंह के परिवार में तीन पुत्र हैं, लाखन, मलखान और राजू। सभी अपने भरण पोषण के लिए थैला, झरिया, खुरपा, खुरपी आदि घरेलू उपाय के लोहे के उपकरण बनाकर लोहा पीट कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे। शासन की तमाम लाभकारी योजनाएं चल रही हैं, मगर गरीब वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसा ही मामला उसमें देखने को मिला जब परछैया लोहार के सदर थाना प्रभारी विनोद कुमार यादव के पास आवास की गुहार लेकर पहुंचे थाना प्रभारी ने उनको आश्वासन दिया एवं उच्च अधिकारियों से मामले को अवगत कराया। वहीं गरीब वर्ग के लोग लाभ पाने के लिए ब्लॉक की गणेश परिक्रमाएं लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए खंड विकास अधिकारी रजनीश कुमार शुक्ला से मांग कर चुके, लेकिन आश्वासन देकर उनको टरका दिया जाता है। जबकि इन लोगों के पास राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक आदि प्रपत्र पनवाड़ी के निवासी होने के प्रमाण पत्र हैं, जो लगभग 20 वर्षों से राठ रोड पनवाड़ी में हाईवे किनारे अपनी झोपड़ी में पन्नी डालकर परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। उक्त परिवार के लोग पचैया लोहार जनजाति से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आज तक कोई अधिकारी कर्मचारियों ने इनकी तरफ देखा तक नहीं, जिससे शासन की योजनाओं से वंचित बने हुए हैं। शासन से प्रधानमंत्री आवास की मांग थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार से की है। वही थाना प्रभारी ने गरीबों की समस्याओं को देखते हुए निस्तारण के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है, उन लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द आपको आवास मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।